चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारहवीं के छात्रों की। बारहवीं के छात्र और उनके अभिभावक परेशान हैं कि उनका नतीजा आखिर क्या होने वाला है। इसको लेकर के CBSE ने कमेटी बना ली है। ये कमेटी छात्रों के रिजल्ट का फॉर्मूला बताएगी, कैसे देखिए। CBSE की इस कमेटी में 12 सदस्य शामिल हैं, जो ये बताएंगे कि आखिर बच्चों के नतीजे किस तरह से तय किए जाएंगे। इस कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट CBSE को जमा करने को कहा गया है। कोरोना की वजह से इस बार CBSE 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई। करीब 14 लाख बच्चों को अब नतीजों का इंतजार है। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को। उसकी प्रक्रिया हम बना रहे हैं, विचार विमर्श के बाद, विशेषज्ञों की राय के बाद हम उसका क्राइटेरिया तय कर रहे हैं और जैसे ही वो तय होगा हम पब्लिक डोमेन में डालेंगे। इससे पहले गुरुवार को PM ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से मुलाकात की थी और उनका हौसला बढ़ाया था। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउटनेट। बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट, क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट। साथ ही अब डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई करते हैं। तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए।